की मेडिसिन भी जरूरी है, सारी मेडिसिन जरूरी है। तीन महीने से हॉस्पिटल में नहीं आया, तीन महीने के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ ना। एज एंटी सर्जन काम कर रहा हूँ, आपको कोई नाकान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं दूर करूंगा। मुझे डॉक्टर पवार आज छुट्टी पे गए, वो चार्ज देके गए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो चीफ फार्मासिस्ट है वो भी छुट्टी पे है। प्रेग्नेंट हूँ मैं, 30 तारीख से यहाँ पे आयरन की गोलियों के लिए घूम रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक गोली अवेलेबल नहीं हुई है। ये भी इतनी बार चक्कर आ चुके हैं, सिविल भी गए, सिविल वालों ने भी कह दिया कि यहाँ पर गोली नहीं है, तुम सैनिटरी से ही लो। और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो तीन बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो क्या कहते हैं उन्हें डाउट था, अल्ट्रासाउंड वाले जो भैया हैं उनको डाउट था, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे डाउट था, उन्होंने मुझसे फीस ली थी और उसकी मुझे कोई रसीद नहीं दी। और फिर चौथी बार में मेरा क्लियर हो गया था, उसके बाद उन्होंने कहा क्लियर है, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसे भी लिए गए? हाँ जी, पैसे लिए थे मुझसे 400-300 रुपये, उसकी कोई रसीद नहीं थी। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही जी, और दवाई भी अवेलेबल नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं 30 तारीख से चक्कर काट रही हूँ दवाई के लिए, 30 तारीख से। डॉक्टर क्या कहना है? डॉक्टर तो कहते हैं कि कल मंगाएंगे, और फिर अगर नहीं है तो कि बाजार से ले लो। शर्म की बात, मेरे वार्ड से मेरे पास अनिल जी का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आयरन की मेडिसिन नहीं मिल रही है। तो मैंने जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि अभी हम आपसे कोई वित्तीय उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दे सकते दवाइयाँ मंगाने के लिए, तो अगर आप ऐसे हमारे साथ जिद करोगे तो हम भी यहाँ से छुट्टी करके बैठ जाएंगे। अगर अधिकारी हमें ये चीज़ें कहते हैं कि हम भी छुट्टी ले लेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसे अधिकारियों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। छुट्टी का भी गवर्नमेंट उसमें कोई प्रावधान होता होगा ना, कि अगर एक बंदा छुट्टी पे जा रहा है किसी जेन्युइन रीजन पे, तो जो सेवाएं हैं, जो हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको लेके कोई मैनेज तो करेगा। और दूसरा, रिलीवर भी अगर उस ड्यूटी पे बैठा है तो उसने से बात किया, मुझे पता चला पिछले 3 महीने से आयरन की मेडिसिन आई नहीं है हॉस्पिटल में। और अगर आयरन की मेडिसिन आती, पूर्व में एक केस हो रखा है सुमित्रा भवन में, एक लेडी को आयरन की मेडिसिन नहीं मिली थी, हीमोग्लोबिन कम हो गया था जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहूंगी कौन जिम्मेवार होगा इन सब चीजों के लिए, और क्या ये जवाब उनका उचित होता है कि हम भी छुट्टी पे चले जाएंगे? ये प्रॉब्लम है सर, मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और उसका 3 महीने से यहाँ पर इलाज चल रहा है सर, और यहाँ पर जो है सर हमसे जो है बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। यहाँ डॉक्टर जैन है, अभी भी मैं आज यहाँ पर आया था तो उन्होंने इसकी गोलियाँ कम से कम 30-15 दिन से ख़त्म हो रखी हैं सर, और ये हमें गोलियाँ अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। और मैं इनको बोल रहा हूँ सर हमें आज अरेंज करिए, तो ये कहते कल आना, परसों आना। फिर इन्होंने मुझे सिविल हॉस्पिटल में भी भेजा कि वहाँ से ले लीजिए आप गोली, वहाँ मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे भगा दिया गया कि यहाँ पर कोई गोली नहीं है, जहाँ आपका इलाज चल रहा है आप वहाँ से लीजिए, यहाँ पर हमारे पास कोई गोली अवेलेबल नहीं है। तो सर मैं फिर इनके पास आया तो आज भी इन्होंने, मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कि मैं जब हमारे पास गोली नहीं तो हम कहाँ से पैदा करके दें आपको, आपको ड्रॉ से ढूंढ डांड के दें क्या गोली? आप अभद्रतापूर्वक यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है सर, और पेशेंट बहुत परेशान है, उन्हें कोई गोलियाँ नहीं मिल रही है। महिला होती है उनके लिए हर चीज़ निःशुल्क है, तो क्या मानते हैं आपका अल्ट्रासाउंड सर? मेरा अल्ट्रासाउंड में भी इनका मेरी वाइफ से पैसे लिए गए हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट का ही उसका इलाज चल रहा था, उसकी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, उसकी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि अभी मुझे डाउट है, तो डाउट पे इन्होंने हमसे 430 रुपये वसूल कर लिए हैं, पर हमें कोई रसीद नहीं दी गई। मेरी वाइफ समक्ष है और वो पूरा मतलब आपको ये बताएंगी कि उन्होंने 2-3 बार उनका टेस्ट किया और उसके बाद पैसे क्यों लिए गए जब उसी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे संज्ञान में आया कि आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है, मुझे उसके प्रक्रिया के बारे में पूरा नहीं पता, उसकी परचेजिंग कैसे होती है, क्योंकि हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं वो भी छुट्टी पे हैं। तो मैंने फिर उन लोगों से बात करी है फ़ोन पे, तो सर ने कहा कि इंडेंट हम लोग कराते 3 महीने में शायद इंडेंट होता है, और दवाई वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। सिविल में मैंने पता करवाया, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। उषा दास जी जो वहाँ पे वो काम देखती हैं, मैंने उनसे पता कराया कि कहीं किसी एएनएम के पास आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स उस एरिया की हैं तो वो मेरे को बताओ, तो वहाँ से भी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं थी। मैंने सीएमओ साहब से फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सर यहाँ पे बहुत ज़रूरी वो हो रही है, दिक्कत हो रही है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं है, ये लोग सब छुट्टी पे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करा देता हूँ, मेरे ना तो उसमें कोई संज्ञान में कोई मामला आ जाए है ना, तो या तो कोई लिखे रिटर्न में दे इस बात को है ना, तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। नहीं, अभद्रता तो मेरे साथ हुई है, मेरे को तो फ़ोन पकड़ा दिया गया, कहा कि ये बात कर लीजिए। मैंने पूछा भाई किन से बात करनी है, कि लीजिए ये बात कर लीजिए, इस टाइप से तो मरीज हमारे से बात करेगा।